प्रश्न है अपना, उड्डयन काल बताना है, टी बताना है, जमीन से प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ये बतानी है, चैट लिस्ट में अपना उत्तर दे सकते हो तुम, और प्रक्षेप्य की परास बतानी है। सबसे पहले तो ये तीनों बताओ, इसके बाद फिर बाकी के प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके घटक कर लो। देखो इसके घटक कर लो, इसका क्षैतिज घटक कितना है? क्षैतिज घटक इसका आ जाएगा 30, 30 मीटर पर सेकंड, 50 कोस 53, और ऊर्ध्वाधर घटक इसका आ जाएगा 40, ऊर्ध्वाधर घटक आ जाएगा इसका 40, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। बस अब क्या करना है, उड्डयन काल टी इक्वल टू 2UY/G, टी इक्वल टू 2UY/G, वैल्यू डालो 2UY 40, जी 10, टाइम आ गया मेरे पास 8 सेकंड। ए यार, टाइम ऑफ फ्लाइट अपन ने निकाला उड्डयन काल 2UY/G से 8 सेकंड, इसका उत्तर आ चुका है। अधिकतम ऊंचाई का सूत्र मैंने तुम्हें बताया था, UY²/2G, तो UY यहाँ पे 40 है, तो 40²/2G के हिसाब से 80 मीटर ही आ चुका है, और R जो है 240 मीटर यहाँ पे अपना आ गया। अब अगला प्रश्न तुम लिखो, अगला प्रश्न लिखो सभी लोग, इसी में अगला सवाल है कि प्रक्षेपण के 1 सेकंड पश्चात, प्रक्षेपण से 1 सेकंड पश्चात कण की चाल ज्ञात करो। प्रक्षेपण से 1 सेकंड पश्चात कण की चाल ज्ञात करो, चाल ज्ञात करो, ठीक है, यानी कि 1 सेकंड पश्चात, आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड पश्चात, 1 सेकंड बाद कण की चाल ज्ञात करो। और क्या क्या ज्ञात करना है 1 सेकंड बाद? धरातल से ऊंचाई 1 सेकंड के बाद, धरातल से ऊंचाई, और वेग द्वारा क्षैतिज से, जो अपन चाल याद करेंगे ना उसी की बात कर रहे हैं, क्षैतिज से बनाया गया कोण, ठीक है। और क्या ज्ञात करना है? धरातल से ऊंचाई भी याद करनी है, वेग ज्ञात करना है, चाल याद करनी है, ठीक है, और क्या ज्ञात करना है? कण का कुल विस्थापन 1 सेकंड में कितना होगा, कुल विस्थापन। देखो किसी को भी कोई भी बात समझ में ना आए ना तो माइक चालू करके पूछ लेना मेरे से। चलो करो 1 सेकंड बाद। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि मान लिया कि 1 सेकंड पश्चात ये यहाँ पे कहीं आ चुका है, इसका वेग vx हो चुका है क्षैतिज दिशा में, ऊर्ध्वाधर में मान लो vy हो गया, क्षैतिज के साथ कोण इसका फाई है, दोनों का नेट मिला के क्षैतिज विस्थापन x और ऊर्ध्वाधर विस्थापन को अगर मैं y मान लूं, तो अब करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले क्षैतिज दिशा में vx लिखो, वेग क्षैतिज दिशा का वेग, वो तो बदलता ही नहीं है, बताया ही था वो तो 30 ही रहना है, तो vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड, ये तो आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। देखो दोनों घटक अलग अलग ले रखे हैं अपन ने, 30 और ये 40, 50 को भूल जाओ, कोई काम ही नहीं उसका, 30 और 40 घटक कर लिए, तो ये तो मिल गया मेरे को 30। चलो y दिशा में काम करते हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में लगाओ v बराबर u प्लस at, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में देखो वेग कितना है, प्रारंभिक वेग है 40 प्लस a, ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण किधर है, नीचे की तरफ है, तो उसको माइनस जी लिख दो क्योंकि ऊपर की दिशा को प्लस माना है। समय कितना है t 1 सेकंड, हल करोगे तो कितना आ जाएगा, जी को 10 लेते हुए 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये भी 30 आ गया अपने पास, vy भी आ गया मेरे पास 30, तो tan phi की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, tan phi मिल गया मुझे vy अपॉन vx, देखो tan phi क्या मिला, vy अपॉन vx, ओके।
कितना मिल गया ये 30/30, यानी कि कितना मिल गया मेरे को 1, यानी कि थीटा कितना मिल गया, थीटा नहीं फाई, फाई कितना मिल गया, इसका मतलब फाई हो गया मेरे पास 45 डिग्री, यानी कि उस क्षण पे जो अपना वेग है वो क्षैतिज से या ऊर्ध्वाधर से एक ही बात 45 कोण बना रहा है। ठीक है, यहां तक अपन आ गए। चलो अब मैं इस तरफ को मिटा के इसका विस्थापन लिखता हूं। अब एक्स दिशा में विस्थापन निकालो, एक्स दिशा में विस्थापन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एफ एक्स बराबर यूएक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। विस्थापन की समीकरण एक्स दिशा में लगा दो। जो काम अपन ने गति की समीकरण ने सरल रेखीय गति में किया था वही काम अपन प्रक्षेप्य गति में कर रहे हैं, पर अंतर बस ये है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में अलग अलग कर रहे हैं। एस एक्स इक्वल टू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सदिश राशियां हैं सब, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब देखो ए एक्स तो यहाँ पे 0 हो गया तो ये तो खत्म हो गया, तो एस एक्स इसको क्या बोला है अपन ने, क्षैतिज विस्थापन को मैंने एक्स बोला है, तो एक्स इक्वल टू यू एक्स कितना है, देखो ये रहा यू एक्स 30, यू एक्स हो गया मेरे पास 30 इंटू टाइम मुझे बताया है 1 सेकेंड, तो यानी कि कितना आ गया क्षैतिज दिशा में कितना चला ये 30 मीटर। वाई निकालते हैं, चलो एस वाई जिसको अपन ने क्या बोला है वाई, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो यू वाई कितना है, प्रारंभिक वेग वाई दिशा में ये है मेरे पास 40, यू वाई इंटू टी कितना है मेरे पास 1 प्लस हाफ, त्वरण कितना है नीचे की तरफ है इसलिए -10, प्लीज बोलो मत बीच में, -10 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 1। चलो तो वाई कितना मिला ध्यान से देखो, 40 माइनस 5, 40 माइनस 5 यानी कि 35 मीटर, 35 मीटर। ये धरातल से ऊंचाई आई, देखो धरातल से ऊंचाई कितनी आई उस क्षण पे 35 मीटर, और कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, कुल विस्थापन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, यानी कि रूट अंडर 30 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। अब इसको हल कर लेना, हल करके जो भी इसका उत्तर बनेगा वो मीटर में उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये है बात। देखो परिणामी चाल रहेगी अपनी, तो परिणामी चाल कितनी हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे लिखा ना अपन ने, कुल परिणामी चाल कितनी हो जाएगी, जिस तरह से विस्थापन निकाला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसी तरह से परिणामी चाल हो जाएगी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ये 30 और ये 30 एक मत समझ, ये 30 मीटर है, ये 35 मीटर है, ये 30 मीटर पर सेकेंड है, ये 30 मीटर पर सेकेंड, देखो 30 और ये 30। ओके, और कुछ छूट गया हो तो बताओ। प्रश्न यहां पर ये है कि एक्स और वाई दिशा मैंने परिभाषित कर दी है, और मूल बिंदु से एक कण को प्रारंभिक वेग दिया जाता है 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप मीटर पर सेकंड में। एक्स और वाई क्या है मैंने बता दिया है, और कण का टी एच तथा आर ज्ञात करना है। टी बोले तो उड्डयन काल, एच बोले तो जमीन से प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, और आर बोले तो परास, ये ज्ञात करना है। यहाँ पे सीधा सीधा मुझे एक्स और वाई घटक दे दिया, मुझे थीटा दिया ही नहीं, यहाँ पे सीधे यू एक्स दे दिया है और यू वाई दे दिया है। ठीक है, थीटा की आवश्यकता ही नहीं पड़ी यहाँ पे। अब एक बार बताओ, टी कितना था, 2 u y वेग का वाई घटक अपॉन जी, बस हल कर लो, तो 2 u y आ गया 20 अपॉन जी 10, यानी कि 4 सेकेंड 4 सेकेंड आया। एच निकाल लो, एच कितना आया, इसी तरह से यू वाई स्क्वायर बाई 2g जब तुम करोगे तो 20 मीटर आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं यू वाई स्क्वायर यानी कि 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 10 2 इंटू 10। चलो परास के लिए 2 ux u y by g, परास r बराबर 2 ux u y अपॉन g, फार्मूले लिखाए थे कल देखना, जिनको अभी तक भी याद नहीं है, जिनको याद नहीं होंगे फार्मूले उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए फॉर्मूले याद करो, 40 मीटर ही है, 40 मीटर आ जाएगा इस तरह से आर। ठीक है, चलो इसी में अगला प्रश्न करते हैं, करो कण को प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि ये वाला जो प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु से अधिकतम ऊंचाई, जब ये अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होगा, मान लो कि यहाँ कहीं अधिकतम ऊंचाई, मान लो इस तरह से इसको फेंका है, तो प्रारंभिक बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में इसका औसत वेग,
औसत वेग ज्ञात करो। देखो भाई पूरी तो परास आर हो जाएगी, तो मान लो कि यहां से यहां तक गया तो आर बाई टू तो आगे गया, एच ऊपर गया, ठीक है। तो कुल विस्थापन देखो कितना हुआ, कुल विस्थापन हुआ अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी, ये जो रेड कलर में मैंने बनाया देखो, यानी कि जो कुल विस्थापन, अब आर बाई टू की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आ जाएगी शायद 20, क्योंकि परास कितनी आई थी अपनी 40, ठीक है, और एच का मान भी कितना आया था अपना 20। तो कुल विस्थापन कितना हुआ, कुल विस्थापन एस वो हो गया अपने पास रूट अंडर 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो मैं उसको बोल सकता हूँ 20√2। देखो कुल विस्थापन कितना हो गया मेरे पास 20√2, ठीक है, मीटर। अब समय कितना लगा अधिकतम ऊंचाई तक जाने में, समय कितना, उड्डयन काल कितना 4, तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगेगा, समय कितना लगेगा 2 सेकेंड। बिल्कुल सही। तो कुल विस्थापन बटे कुल समय कितना आया, 20√2/2, यानी कि औसत वेग है ये, चाल नहीं है बता दूं मैं, औसत वेग, औसत वेग का परिमाण, औसत वेग का परिमाण है ये। कितना मिला 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा इसी में अगला प्रश्न बताओ कि औसत वेग की दिशा कितनी आ रही है, इस औसत वेग की दिशा क्या आ रही है क्षैतिज से, इस औसत वेग की जो दिशा है वो क्षैतिज से कितनी आ रही है बताओ। औसत वेग की दिशा क्षैतिज से ज्ञात करो इस क्षण तक, दिशा भी बताओ इसकी, औसत वेग की, औसत वेग की दिशा पूछ रहा हूं, ताक्षणिक वेग की नहीं पूछ रहा हूं। ताक्षणिक वेग तो क्षैतिज में होगा क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर है, ताक्षणिक वेग तो क्षैतिज में होगा, अपन ने औसत वेग, अपन ने औसत वेग की दिशा पूछी है। बताओ जो डेल्टा आर की दिशा होगी वही तो औसत वेग की दिशा होगी, तो डेल्टा आर की दिशा देखो क्या है, मान लो ये एंगल कुछ अल्फा है, तो टेन अल्फा कितना जाएगा, टेन अल्फा 20/20 वन, अल्फा कितना आएगा 45 डिग्री, क्षैतिज से 45 डिग्री पर आएगी औसत वेग की दिशा। कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन की जो दिशा होगी वही औसत वेग की दिशा होगी, मैंने बताया था सरल रेखीय गति में ये बात। हेडिंग डालो मीनार से प्रक्षेप, या किसी भी टावर से प्रक्षेप, या किसी ऊंचाई से प्रक्षेप पे, ठीक है, मीनार से प्रक्षेप पे, ठीक है। अब इसमें कोई फार्मूले डिराइव नहीं करेंगे अपन, जैसे अपन ने जमीन से जमीन के लिए फॉर्मूले डिराइव करे टी एच और आर के, यहां पे अपन कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं। ये फॉर्मूला डिराइव करूंगा बहुत बड़ा फॉर्मूला बनेगा, अपने को करना क्या है वही बेसिक्स अप्लाई करने हैं यहाँ पे, जो गति की समीकरण है वही लगानी है, बस थोड़ा सा अंतर आएगा। अब थोड़ा सा अंतर क्या आएगा वो मैं बताता हूँ। देखो करना कुछ भी नहीं, दो स्टेप में काम करना, पहली स्टेप ये याद रखना कि प्रक्षेपण बिंदु को मूल बिंदु मान लो, प्रक्षेपण बिंदु को मूल बिंदु मान लो, प्रक्षेपण बिंदु को मूल बिंदु मान लो, माने, ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा को एक्स और वाई मान लो, एक्स तथा वाई दिशा परिभाषित करो अपने हिसाब से, कर लो तुम्हारी इच्छा हो, एक्स क्षैतिज में मानो, तुम्हारी इच्छा हो वाई को क्षैतिज में मानो, जो इच्छा हो उसे मान लो, पर किसी भी एक को क्षैतिज में मान सकते हो। और जरूरी नहीं, अपन कई बार क्या करते हैं कि एक्स और वाई को तिरछा भी मान सकते हैं सुविधा के हिसाब से, एक्स और वाई दिशा परिभाषित करो, ठीक है, परिभाषित करो और गति की समीकरणें अलग अलग दिशाओं में लगाओ, कंसेप्ट यही है, गति की समीकरणें, गति की समीकरणें दोनों दिशाओं में, दिशाओं में लगाओ, दोनों दिशाओं में लगाओ, ठीक है, करना यही है,
दोनों दिशाओं में लगाओ। जैसे कि जमीन से जमीन के लिए किया था, एक्स दिशा में अलग काम किया, वाई दिशा में अलग काम किया, उड्डयन काल निकाला, वो फॉर्मूला याद किया, एक मिनट रुक जा, उड्डयन काल निकाला, फार्मूला याद किया, अधिकतम ऊंचाई निकाली, फार्मूला याद किया, परास निकाली, फार्मूला याद किया, पर यहाँ पे अपन कोई फार्मूला नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ फार्मूले बड़े बड़े बनेंगे, इसलिए कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये बात है। आगे देखते हैं, अपन इसको सवाल के माध्यम से करते हैं। यहाँ पे एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई है h, मीनार की ऊंचाई क्या है h, धरातल से h ऊंचाई पर जाकर मीनार की छत पे जाके और क्षैतिज दिशा में एक कण को प्रक्षेपित किया वी नॉट वेग दे करके, उसको वी नॉट वेग दे दिया और उसको प्रक्षेपित कर दिया। प्रश्न अपना यह है कि कण को धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। लिखो प्रश्न, कण को धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, प्रारंभिक वेग वी नोट इसको दिया है, ये मैंने इसका पथ भी बना रखा है, इसका पथ किस प्रकार से लगभग होगा, और ये बताना है कि ये आर कितना है, कण का क्षैतिज विस्थापन कितना है। कुल विस्थापन तो निकाल ही लेंगे अगर क्षैतिज मिल जाएगा, तो क्षैतिज विस्थापन बताना है, ये तीन चीजें बतानी है। सबसे पहले क्या करो, एक्स और वाई परिभाषित करो। मैंने मान लिया प्रक्षेपण बिंदु ये है, इस दिशा को मैं एक्स बोल देता हूं, ये दिशा मैंने एक्स बोल दी और नीचे वाली दिशा मैंने वाई बोल दी, यहाँ साइड में लिख दिया मैंने, एक्स इस तरफ ले रहा हूँ, वाई इस तरफ ले रहा हूं, और प्रक्षेपण बिंदु ये है। तो देखो, प्रारंभिक क्षैतिज वेग यू एक्स कितना है, वी नॉट। प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग, देखो ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग का घटक है क्या प्रारंभिक, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्षैतिज प्रक्षेपण किया है। जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना नीचे गया, देखो ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना हुआ, नीचे कितना गया, वाई दिशा में विस्थापन कितना हुआ, एस वाई कितना हुआ, एच। अगर तुम वाई ऊपर पॉजिटिव लोगे तो इसको माइनस एच लिखना पड़ेगा। बताओ क्षैतिज दिशा में विस्थापन एस एक्स कितना लेंगे अपन, इस चित्र के अनुसार ये क्षैतिज दिशा में विस्थापन, ये प्लस का आर, ठीक है। चलो क्षैतिज दिशा का त्वरण कितना लेंगे, क्षैतिज दिशा में त्वरण जीरो होता ही है, बता ही रखा है। ऊर्ध्वाधर दिशा का त्वरण कितना लूंगा, प्लस की माइनस जी, प्लस जी या माइनस जी क्या लिखूंगा, बताओ इस दिशा को देख के बताओ, ऊर्ध्वाधर दिशा का त्वरण कितना लूंगा मैं, प्लस जी की माइनस जी, बताओ प्लस जी की माइनस जी, इसको लूंगा मैं प्लस जी, क्यों, क्योंकि मैंने नीचे की दिशा को धनात्मक माना, नीचे को प्लस वाई लिया है इसलिए उसको प्लस जी लिखना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, बस अब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में समीकरण अप्लाई करो। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में करते हैं, पहले जनरली समय निकालने के लिए एस वाई ही लिखना पड़ता है अपने को, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, सामान्यतया यही करना पड़ता है, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। जब भी प्रक्षेप में समय निकालना हो ना तो मैक्सिमम टाइम यही इक्वेशन काम आती है। एस वाई कितना है देखो, प्लस का एच, यू वाई कितना था जीरो, प्लस हाफ ए वाई कितना है जी इंटू टी स्क्वायर, तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा मेरे पास, रूट अंडर 2h/g, ठीक है 2h/g, इसको याद भी रखो। देखो ये समय और कहां पे आया था, जब अपन ने पिछले चैप्टर में मीनार से किसी कण को छोड़ा था, ठीक है, तब भी यही आया था, तो ये छोड़ने जैसा ही तो है। देखो ऊर्ध्वाधर में तो फ्री फॉल हुआ है, ऊर्ध्वाधर में फ्री फॉल जैसा ही तो है, मतलब यहां से छोड़ा और नीचे गिर गया। ध्यान रखना, जब भी किसी कण को छोड़ा जाए या क्षैतिज प्रक्षेपित किया जाए तो समय इतना आता है, ध्यान रखना, केवल क्षैतिज प्रक्षेपण के लिए, केवल क्षैतिज प्रक्षेपण के लिए, ध्यान रखना, किसी मीनार की ऊंचाई h से, या फिर यू वाई जीरो हुआ ना, वेग क्षेत्र आर का मान निकालो, तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, कहां पे लिखूं, यहां लिख देता हूं इस जगह पे, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, वो तो जीरो बन जाएगा, एस एक्स को आर बोल रखा है, यू एक्स
यूएक्स कितना है, वी नोट है, देखो इनटू टाइम कितना निकाला मैंने, रूट टू एच बाई जी, खत्म काम, ये आंसर आ गया रूट टू एच बाई जी। तो क्षैतिज प्रक्षेपण के लिए तुम चाहो तो याद कर सकते हो, चाहो तो याद कर सकते हो, ना चाहो तो मत याद करो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। याद रहोगे तो फटाफट काम हो जाएगा, नहीं याद रखोगे तो कैसे करते हैं ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 40 मीटर ऊंची एक मीनार है, 40 मीटर ऊंची मीनार से एक कण को प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड और क्षैतिज से कोण 30 डिग्री देकर फेंक दिया जाता है। इसका प्रक्षेप्य का पथ यहाँ पे बना रखा है चित्र में और अपने को ज्ञात करना है। पहला है धरातल पर पहुंचने में लगा समय, दूसरा गति के दौरान धरातल से अधिकतम ऊंचाई, तीसरा है क्षैतिज विस्थापन यानी कि आर, चौथा है अपने पास कुल विस्थापन, पांचवा है अपने पास धरातल पर टकराने से तुरंत पहले कण का वेग, ये जो वी दिखाया गया है वेग वी, परिमाण एवं दिशा दोनों में, ठीक है। और सिक्स नंबर अपने को बताना है प्रारंभिक बिंदु से टकराने तक, यानी कि पूरा यहां से यहां तक, स्टार्टिंग पॉइंट ये वाली स्टार्टिंग पॉइंट यहां से लेके पूरा यहां तक, ये यहां से यहां तक का पूरा औसत वेग बताना। चाल नहीं पूछ रहा हूं, चाल के लिए फिर दूरी निकालना पड़ेगी और दूरी निकालना यहाँ भारी काम है थोड़ा, इसलिए चाल पूछ रहे हैं, वेग पूछ रहे हैं, औसत वेग, कुल विस्थापन और कुल समय का, और परिमाण एवं दिशा दोनों बताना है। दिशा मतलब क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है, ठीक है। यहाँ भी दिशा जो बतानी है वो क्षैतिज से बनाया गया कोण है, ठीक है। ये है तुम्हारा होमवर्क, इसको घर पे करना है और इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।